देखिए सोमवार को 50/50 में पांच बड़ी खबरें। आरा बलिया रेलवे मार्ग के सर्वे के विरोध में की गई बैठक। भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड अंतर्गत कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार स्थित भिकम दास मठिया के प्रांगण में आरा बलिया रेलवे मार्ग के सर्वे के विरोध में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें बढ़हरा के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि इस सर्वे से पहले सार सिवान महुली घाट होते हुए रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई थी, अचानक रूट परिवर्तन कैसे किया गया। साथ ही इस बैठक में इस रेलवे लाइन के सर्वे को रद्द कर नए सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। लोगों ने कहा कि नैनीजोर के आगे गंगा पर पहले से ही पक्का पुल बना हुआ है, जबकि बढ़हरा एवं जयप्रकाश नगर को रेलवे के विभाग के द्वारा उपेक्षित किया गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 सदस्यों का डेलीगेशन रेलवे विभाग के DRM, आरा सांसद राजकुमार सिंह, रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर नया सर्वे कराने की मांग की जाएगी। साथ ही महुली घाट खवासपुर जयप्रकाश नगर होते हुए रेलवे मार्ग के नए सर्वे कराने को लेकर एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही साथ दल के जनप्रतिनिधियों को एक साथ लेकर इस आंदोलन को सुदृढ़ और संगठित बनाया जाएगा। रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। बिहार के भोजपुर जिले के करनामेपुर ओपी थाना क्षेत्र के करनामेपुर बाजार स्थित एक मेडिकल दुकान में मेडिकल दुकानदार के साथ एक मनचलक के द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद मेडिकल दुकान में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आप देख सकते हैं इस एक्सक्लूसिव वीडियो में जो हमारे चैनल को मिला है। घटना के बारे में बताया जाता है कि ईश्वर शर्मा उर्फ मोनू शर्मा ईश्वरापुर गांव के रहने वाले हैं। उनका मेडिकल दुकान करनामेपुर ओपी थाना क्षेत्र के करनामेपुर बाजार में है, जहां एक मनचले द्वारा मेडिकल दुकान में घुसकर मारपीट किया गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मेडिकल दुकानदार की पत्नी गायत्री देवी का आरोप है कि मनचला युवक उनके पति से रंगदारी टैक्स मांग रहा था, नहीं देने पर मारपीट किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस छानबीन में जुटी है। रुख करते हैं तीसरी खबर की ओर। पानी की किल्लत से लोग परेशान, वोट लेने वाले नेता गायब। बिहार के भोजपुर में गर्मी के तेवर से लोग तो पहले ही परेशान थे, लेकिन अब पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। मामला जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत AIR और वैना गांव की है, जहां जल संकट गहरा होने से लोगों में काफी परेशानी बढ़ गई है और लोगों का संघर्ष पानी को लेकर शुरू है। बता दें कि नल जल योजना, ग्रामीण पेयजल योजना जैसी तमाम जन कल्याणकारी मुहिम होने के बावजूद भी पानी की कमी से आज भोजपुर जिले का गांव जूझ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता और क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई दिनेश इस गांव में पहुंचे हैं और सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बस बड़े नेता वोट के समय आते हैं और ग्रामीणों का जब उनके सहयोग करने और मदद का मौका आता है तो वो गायब हो जाते हैं। रुक करते हैं चौथी खबर की ओर। आरा में एक युवक ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर दिया बड़ा बयान। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में जन शक्ति पार्टी के एक युवा नेता गोलू सिंह ने जीतन राम मांझी पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर जीतन राम मांझी मुसर समाज को अपनी जाति मानते हैं तो वे उनके घर जाकर एक बार खाना खाए, तब हम समझेंगे कि जीतन राम मांझी मुसर जातियों के लिए संकट मोचन और पालनहर्ता है। नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने जातियों पर इस तरह का ढोंग करना बंद कर दें। अगर जीतन राम मांझी मुसहर समाज से हैं और अब की औकात है किसी भी मुसहर जाति के घर अचानक पहुंचकर खाना खाकर दिखा दीजिए बिहार की जनता को कि आप मुसहर समाज से हैं और मुसहर समाज की हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपकी ये औकात नहीं है कि मुसहर समाज के घर पहुंच जाए और पहुंचकर खाना खा ले। रुख करते हैं पांचवी खबर की ओर। सड़क हादसे में दो की मौत, क्षेत्रों में सनसनी। बिहार के भोजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि हर महीने दुर्घटना की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताजा मामला पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव के समीप की है, जहां सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद क्षेत्रों में सनसनी का माहौल है। वहीं पुलिस पहुंचकर शव को उठाकर आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा रही है। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।